नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज में। देखा जाए यहाँ पर तो राजा भैया और अखिलेश यादव अब एक दूसरे के सामने हैं। यहाँ पर राजा भैया जल्द ही अखिलेश यादव से मुलाकात कर सकते हैं, फोन पर बातचीत अखिलेश यादव कर सकते हैं। कहा यह जा रहा है कि यूपी के नगर निकाय चुनाव जीतना यहाँ पर हर किसी दल और हर किसी पार्टी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। लेकिन हमने आपके साथ खास रिपोर्ट भी साझा की थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि राजा भैया कौन से फॉर्मूले यूज कर सकते हैं कि वो चुनाव जीत जाए। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए, गुलशन यादव जो मैदान में उतरे हैं, उनकी पत्नी यहाँ पर चुनाव लड़ रही है, काफी बार जीत हासिल भी कर चुकी है, और वहीं पर ये पहली बार होगा जब राजा भैया नगर निकाय चुनावों में उतरते हुए नजर आएंगे। तो शायद उन्हें इतना अनुभव नहीं है, नहीं पता कि किस तरीके से नगर निकाय चुनाव जीतते हैं। यहाँ पर बार बार सवाल उठ रहे विकास कार्य को लेकर, सवाल उठ रहे साफ सफाई को लेकर, और भी इस तरीके के तमाम मुद्दे हैं। लेकिन राजा भैया के पास इनके इन सारे सवालों का कोई भी जवाब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्रतापगढ़ पूरा यहाँ राजा भैया का है, कुंडा पूरा राजा भैया का है, लेकिन फिर भी कोई बड़ा कमाल नहीं कर पाए हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो अखिलेश यादव को नजर आ रहा है कि अगर बड़े बड़े प्यादों को गिराया जाएगा तो उसके बाद यहाँ पर अपनी सत्ता जमाई जा सकती है। अब अगर पल्लवी पटेल की बात की जाए तो पल्लवी पटेल यहाँ पर सारे प्रत्याशी को उतार चुके हैं, लेकिन यहाँ पर यादव पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है सारी पार्टी और दलों के साइड से। लेकिन मायावती एक अलग है, जो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लोगों की तरफ पूरी तरीके से यहाँ पर निशाना साधे बैठी है कि सारी जगह मुस्लिम्स को उतारा जाएगा, लेकिन खुद चुनावों में नहीं उतरेगी, खुद चुनावों का प्रचार प्रसार नहीं करेगी, जिसके बाद उनको लेकर ही कहा गया कि वो बीजेपी की बी टीम है। तो ये तो बात रही मायावती की। लेकिन वापस अगर राजा भैया पे आए तो राजा भैया को लोग ये तक कहने लग गए कि वो भी एक माफिया के रूप में है, क्योंकि राजा भैया से लोग डरते हैं, उनके पास जा नहीं सकते, बैठकें होती है तो किसी को बोलने नहीं दिया जाता, तो ये सारा काम तो माफिया का होता है। तो यहाँ पर राजा भैया को राजा भैया ना कह के माफिया कहना चाहिए, इस तरीके की बातें यहाँ पर सपा के नेता भी कहते नजर आए। तो साफ तौर पर बात यह है कि राजा भैया के लिए जीतना यहाँ पर नगर निकाय चुनाव थोड़ा मुश्किल होता नजर आ रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि अभी भी अखिलेश यादव या फिर राजा भैया एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं? इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। तमाम ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम।